लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा ने कहा कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी ने भाजपा से लोकसभा की 10 सीट मांगी है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में नगीना सीट पर पार्टी का फोकस होगा। मेरठ रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि डीए गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। मजबूत लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा रही है। बैठक में सुखबीर सिंह, अनिल पीपल, हरपाल सिंह, योगेश कुमार, मुकेश कुमार, अरविंद कुमार और दिलावर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संगठन में सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा ने संगठन को मजबूत करने के लिए सहारनपुर मंडल अध्यक्ष पद पर आलोक अग्रवाल और मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष पद पर राजेश पप्पू को जिम्मेदारी दी है। बता दें कि राजेश पप्पू पिछले कई दशक से मुजफ्फरनगर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय है। हाल ही में वे अम्बेडकर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनकी दलित समाज में अच्छी पैठ मानी जाती है। संगठन को मजबूती देंगे, जल्द ही गठित होगी नई कमेटी। पप्पू जिलाध्यक्ष बनने के बाद राजेश पप्पू ने कहा कि एनडीए गठबंधन की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। अपने संगठन में जुझारू कार्यकर्ता ही रखे जाएंगे। नई कमेटी का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा। जी, आपका नाम? राजेश पप्पू। आज आपको एक जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज वर्मा जी ने मुझे जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, जिसे मैं अपने वर्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश और मान्य प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा। किस तरह का मजबूत करेंगे? मैं जनपद के समस्त ब्लॉकों में कमेटी बनाऊंगा, वहाँ अध्यक्ष नियुक्त करूँगा और जन समस्या को लेकर अधिकारियों के से लोग समस्याओं का निराकरण करने के लिए हर टाइम तैयार रहूँगा। सर, आपका नाम? जी, आलोक अग्रवाल। सर, आपको लोक जन पार्टी का जो है मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, क्या हो रहा है? मैं आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन कुमार वर्मा जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए लायक समझा और मैं आने वाले समय में अपने तीनों जो हमारे मंडल हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, तीनों मंडलों में अपना काम, मंडलों के जितने भी जिले हैं उन सब में लोक जनशक्ति पार्टी के हाथों को मजबूत करूंगा और इस पार्टी को अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। निश्चित। आपके गठबंधन, आपका जो पार्टी है वो गठबंधन वाई है, कौन सा गठबंधन है? एनडीए के साथ गठबंधन है। कितनी सीटों पर चुनाव? ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ही बता सकते हैं आपको। फिलहाल अभी इस बारे में जो है हमें अभी कोई वो नहीं है। किस तरह से टीम को मजबूत करना है? अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ करके इसके मेंबरशिप अभियान चलाएंगे और तीनों जो मंडल हैं उसके सब जिले हैं और जितने भी आसपास के गांव हैं उन सब में इसके कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे और इसकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है इसका जनाधार को मजबूत करेंगे। सर, 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? जैसे भी ऊपर हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे चिराग पासवान जी, जैसा उनका आदेश होगा उसके उनके आदेश के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। सर, आज आपने मुजफ्फरनगर का दौरा किया है, सर क्या हो रहा है? मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की का प्रदेश अध्यक्ष हूं, पवन वर्मा नाम है मेरा। आज मैं यहां अपने संगठन के संबंध में अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया हूं और पूरे प्रदेश में हम पुनर्गठन अपने संगठन का कर रहे हैं, उस कड़ी में मैं आज मुजफ्फरनगर आया हूँ। हम लोग एनडीए में शामिल हैं। अभी पिछले 18 तारीख को हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हम 10 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि 10 सीट तो कम से कम हम लोग लड़ें और हमने 4 अध्यक्ष हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, हम चारों अध्यक्षों ने ये डिमांड रखी है कि कम से कम 10 सीटों पे तो लोकसभा चुनाव हम लोग लड़ें। संगठन को लेकर आप क्या रणनीति?
संगठन को लेके हमारी ये नीति है कि हम हर ज़िले में अब जा रहे हैं और हम जितने जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं और नए जो लोग जुड़े हैं उनको हम जिम्मेदारी देंगे संगठन की और उनसे उम्मीद करेंगे कि सदस्यता अभियान चलाकर वो संगठन को मजबूत करें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप पुनः दोबारा आपकी ताजपोशी हुई है प्रदेश अध्यक्ष पर जी, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी कि दोबारा से पश्चिम उत्तर प्रदेश चूंकि राजनीति का गढ़ माना जाता है तो क्या राजनीति और क्या रणनीति आपकी रहेगी? मेरी रणनीति यह है कि पहले तो मैं संगठन को मजबूत करने के लिए निकला हूँ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जनपद में मैं जाऊँगा और संगठन को मजबूत करा के सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत करूँगा और फिर मैं मेरी ये वो है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम से कम हर सीट हर जिले में एक सीट पर मैं मजबूती के साथ NDA घटक दल होने के नाते गठबंधन में चुनाव लड़ें। मुजफ्फरनगर में आज नियुक्ति करने के लिए जी